अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। पिग्मेलियन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की थीम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थीम्स में सबसे पहले है लैंग्वेज एज अ क्लास बैरियर, यानी उस टाइम पे लैंग्वेज क्या था, एक बैरियर था क्लासेस के बीच में, मतलब अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में। मतलब अगर किसी की लैंग्वेज कोकनी थी या वीक थी तो वो क्या होता था, वो लोअर क्लास से होता था, और जिसकी लैंग्वेज स्ट्रांग होती थी, इंग्लिश अच्छी होती थी, एथिकल होती थी, फॉर्मल होती थी, वो था अपर क्लास से। मतलब जिसको लोअर क्लास से अपर क्लास की तरफ जाना है उसे क्या सीखना होगा, उसे उस टाइम की लैंग्वेज यानी इंग्लिश ज़रूर सीखनी थी। तो यहाँ पे ये हमें जो लैंग्वेज है उसकी पावर का भी बताता है कि उसकी कितनी पावर थी उस टाइम पे, और ये भी बताता है कि लैंग्वेज जो है वो कैसे क्लास को रिप्रेजेंट करता था और कैसे सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट था। फिर है चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन की थीम रिलेट करती है एलाइजा के साथ, क्योंकि एलाइजा हमें फर्स्ट एक्ट से लेकर फिफ्थ एक्ट तक चेंज होती हुई नज़र आती है, ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेटामॉर्फोसिस में था। तो ये भी एक किस्म का मेटामॉर्फोसिस है जिसे हिगिंस कर रहा था। तो फर्स्ट में हमें नज़र आता है कि वो कोकनी लैंग्वेज बोलने वाली थी, उसका एक्सेंट जो था वो ख़राब था, और उसके अलावा वो एक पुअर गर्ल थी। लेकिन सेकेंड एक्ट में हमें ये पता चलता है कि उसके जो कपड़े थे वो चेंज कर दिए गए और उसके मुँह हाथ को साफ़ कर दिया गया, धो दिया गया। फिर थर्ड एक्ट में उसकी जो लैंग्वेज थी वो चेंज हो गई, उसमें थोड़े बहुत फॉल्ट्स थे। फिर फोर्थ एक्ट में हमें ये पता चलता है कि उसकी जो इंग्लिश थी वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी, अब वो एक लेडी बन गई थी, एक डचेस बन गई थी। और फिर फिफ्थ एक्ट में हमें ये पता चलता है कि उसके जो थाट्स थे वो भी बिल्कुल चेंज हो गए थे। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस था, जो चेंज था, वो हमें फर्स्ट से लेकर एंड तक नज़र आता है। फिर है अपेरेंस एंड आइडेंटिटी। यहाँ पे कहते हैं कि जैसी अपेरेंस थी वैसी उसकी आइडेंटिटी, मतलब अपेरेंस जो थी वो आइडेंटिटी को शो कर रहा था। जैसे हिगिंस जो था उसकी जो अपेरेंस थी फर्स्ट एक्ट में वो ऐसी थी कि सबको वो पुलिसमैन लगा, वो एक जेंटलमैन बंदा था, तो वो बहुत वेल ड्रेस था। दूसरा, जब कॉलोनल पिकरिंग आए तो उनकी जो ड्रेसिंग थी वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल थी, क्योंकि वो मिलिट्री के बंदे थे, तो उससे पता चलता था ये किसी जगह के ऑफिशियल्स रह चुके हैं। और उसके अलावा उनका जो ट्रीटमेंट का तरीका था, वो सबको ड्यूक या डचेस की तरह ट्रीट करते, तो इससे पता चलता कि वो किसी कंपनी के या किसी इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल रह चुके हैं। फिर है फेमिनिटी। फेमिनिटी की थीम यहाँ पर हमें बहुत नज़र आती है, क्योंकि फेमिनिटी यहाँ पर है एलाइजा के रिलेटेड। जो एलाइजा थी उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था, और कौन कर रहा था उसके साथ, कर रहा था हिगिंस। हिगिंस मिस्ट्रेस पियर्स के साथ भी बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन उसका जो बर्ताव था वो एलाइजा के साथ ज़्यादा बुरा था, क्योंकि वो एलाइजा को एज अ एक्सपेरिमेंट का एक टूल ट्रीट करता, ना ही उसकी फीलिंग्स को समझता, ना ही उसकी इमोशंस को समझता, ना ही उसकी बात को सुनने या समझने की कोशिश करता, ना ही उसकी उसके लिए कुछ फीलिंग्स थी, जबकि जो एलाइजा थी उसकी फीलिंग्स थी हिगिंस के लिए। लेकिन लास्ट में एलाइजा जो थी उसने एक बड़ा कदम लिया और अपना रास्ता अलग कर लिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। तो ये क्या था, ये स्टार्ट में एलाइजा के साथ बुरा होता आ रहा था, उस पर जुल्म हो रहा था, उसकी बात को दबाया जा रहा था, लेकिन लास्ट में एलाइजा ने क्या किया, अपनी जो बात थी वो मनवा ली। फिर है क्लास। यहाँ पे हमें हर किस्म की क्लास दिखाई गई है इस प्ले में। अपर क्लास जो है वहाँ पे हमें कॉलोनल पिकरिंग नज़र आते हैं, मिस्ट्रेस हिगिंस नज़र आती है, मिस्टर हिगिंस नज़र आते हैं, प्रोफेसर हिगिंस जो है, और उसके अलावा जो मिस्ट्रेस एंसफोर्ड हिल है वो है क्लारा एंसफोर्ड हिल, फ्रेडी एंसफोर्ड हिल। मिडल क्लास में अब कौन है, मिडल क्लास में है मिस्ट्रेस पियर्स, और जो लो क्लास है वो रिप्रेजेंट करती है जो एलाइजा है वो, और उसके जो फादर हैं अल्फ्रेड डूलिटल। तो यहाँ पे सारे जो क्लासेस हैं उनका बताया गया, उनकी जो थॉट्स थी उनका बताया गया, और उनके साथ जो बिहेवियर होता था उस टाइम पे उसका बताया गया है। फिर है ब्यूटी। यहाँ पे ये कहते हैं कि ब्यूटी जो है वो हर किसी की नज़र में अलग होती है, किसी की नज़र में जो है ब्यूटी क्या होती है, किसी की नज़र में क्या होती है। लेकिन यहाँ पे ब्यूटी क्या है, ब्यूटी है अपर क्लास का होना, ब्यूटी है जेंटलमैन होना, ब्यूटी है एथिकल होना, क्योंकि यही जो लड़की थी एलाइजा ये वहाँ पे उनके साथ मिली थी चर्च के छत के नीचे, और यही जो लड़की थी एलाइजा वो इनके साथ मिली थी मिस्ट्रेस हिगिंस के हाउस पर। तो वहाँ पे क्या थी, वहाँ पे ये कोकनी एक्सेंट वाली लड़की थी,
एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए लड़की थी, जबकि यहाँ पे यही लड़की अच्छी लैंग्वेज बोलने वाली वेल ड्रेस लड़की थी। तो ये क्या था, ये ब्यूटी का पर्सपेक्टिव था कि उस टाइम पे जो लोग थे उनके लिए ब्यूटी क्या थी, उनके लिए ब्यूटी अपर क्लास थी, उनके लिए ब्यूटी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश होना, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होना और अच्छे कपड़े पहनना थी। फिर है जेंटिलिटी एंड मैनर्स। तो जेंटिलिटी एंड मैनर्स यहाँ पे हमें बहुत जगह नज़र आते हैं कि जो मिस्टर्स हिगिन्स है उन्होंने, मिस्टर हिगिन्स जो थे उन्होंने और कॉलोनल पिकरिंग जो थे उन्होंने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैनर्स सिखाए किसको, एलाइजा को। अब उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी क्योंकि जो अपर क्लास थे वहाँ पे मैनर्स बहुत मैटर करते थे, मैनर्स और लैंग्वेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसे लैंग्वेज सिखाई ताकि वो अपर क्लास की लग सके। तो ये भी हमें पता चलता है कि जो जेंटिलिटी है और जो मैनर्स है वो उस टाइम के लोगों में नहीं थे, सिर्फ अपर क्लास जो थी, एलीट क्लास जो थी, उनके पास सिर्फ ये एथिक्स और मैनर्स होते थे, और होते थे या नहीं होते थे लेकिन पैसों से उनमें आ जाते थे। और वो ये बिलीव करते थे कि जो एथिक्स और मैनर्स हैं ये बाय बर्थ आते हैं, इनको कोई पैदा नहीं कर सकता या कोई सीख नहीं सकता। फिर है मिथ्स ऑफ क्रिएशन। यहाँ पे जो मिथ है पिग्मेलियन की वो हमें नज़र आती है। पिग्मेलियन की मिथ क्या थी, पिग्मेलियन जो थी वो एक स्कल्पचर थी, जिसे एक स्कल्प्टर जिसका नाम साइप्रस था उसने बनाया था, और उसका नाम जो था वो था पिग्मेलियन। पिग्मेलियन उस स्कल्प्टर को बहुत ज़्यादा पसंद आई, और इतनी पसंद आई कि उसने जो एफ्रोडाइट थी उसे प्रे किया कि इसे मेरे लिए ज़िंदा कर दो, और जब वो ज़िंदा हो गई तो उससे उसके साथ शादी कर ली थी। तो वो क्या था, वो ग्रीक मिथ था, और उसमें जब लास्ट में लड़की बन गई तो उसका नाम गैलेटिया था। और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, जो हिगिन्स है वो बिल्कुल उस स्कल्प्टर की तरह एलाइजा को ट्रीट करता है, उसे बनाता है, उसे संवारता है, उसे सिखाता है कि क्या कुछ कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे जो हिगिन्स है वो इसकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है। वहाँ पे भी एक तरफ की अफेक्शन थी, यहाँ पे भी एक तरफ की अफेक्शन है, लेकिन उस ग्रीक मिथ में ये हुआ था कि लास्ट में वो जो गैलेटिया है ना वो अपनी जो फीलिंग्स थी उसको नहीं बता पाती थी, सिर्फ बस ब्लश करती थी। लेकिन यहाँ पे जो एलाइजा है वो अपनी फीलिंग्स बताती है और अपनी जो बात है वो हिगिन्स से मनवा लेती है, और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, और मैं किसी मैन के जो अंडर है वो नहीं रहना चाहती। फिर है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म की थीम यहाँ पे हमें नज़र आती है कि जब एलाइजा कहती है कि मैं एक फ्लावर शॉप में नौकरी करूँगी, तो जो पिकरिंग है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि अच्छा तुम नौकरी भी करोगी। तो उस वक्त के ज़माने में, उस वक्त की जो सोसाइटी थी उसमें लड़कियों का, फीमेल का काम करना बिल्कुल अजीब सी बात थी, एक अजनबी सी बात थी। तो जब ये इसने कहा कि अच्छा तुम काम करोगी, तो सारे जो थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। तो प्रोफेशनलिज्म वहाँ पर सिर्फ मर्दों तक महदूद था, लेकिन जो एलाइजा थी उसने ये कहा कि मैं ये बातें औरों को भी सिखाऊंगी और मैं खुद काम करूंगी और अपना स्टेटस बनाऊंगी, अपनी एक पहचान बनाऊंगी। तो ये क्या था, ये फीमेल प्रोफेशनलिज्म थी जो वहाँ पर इंटर हो रही थी। फिर है जेंडर सॉलिडरिटी एंड एंटागोनिज्म। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो मेल जेंडर है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, जैसे मिस्टर हिगिन्स जो था वो बहुत ज़्यादा रिजिड था, वो सिर्फ अपनी बात जो था वो करता था, और उसे एलाइजा की किसी भी किस्म की बात से कोई सरोकार नहीं था। बस वो कहता था कि जो मैं कह रहा हूँ ठीक है और जो ये कह रही है वो गलत है, वो अपनी बात पे अड़ा रहता। और जो मेल जेंडर थे उस टाइम की उस सोसाइटी के, वो भी क्या थे, वो भी इसी तरह थे। तो जो शॉ है वो यहाँ पे उन पे तंज करता है, सटायर, एक मजाक बनाता है उनका। और एंटागोनिज्म मतलब वो एंटागोनिस्ट है, प्रोटागोनिस्ट नहीं बल्कि एंटागोनिस्ट, विलन्स है, विलन्स इन अ सेंस कि बस वो अपनी चलाते हैं और अपनी मानते हैं, गुस्सा करते हैं और अपनी जो बातें हैं बस उनको वही बातें ठीक लगती हैं। फिर है वेल्थ एंड पॉवर्टी। यहाँ पे वेल्थ और पॉवर्टी को कंपेयर किया गया है कि जो एलाइजा है वो पहले क्या थी, वो गरीब थी और फिर वो क्या हो गई, अमीर हो गई। तो इसके बीच में जो गैप था वो क्या था और इन गैप का असर क्या था। जब वो गरीब थी तो वो क्या थी, उसकी सोच महदूद थी, लेकिन जब उसे पता चला, उसे समझ आई, तो उसकी जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो गरीबों की सोच थी उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा महदूद थी, बस उनकी सोच ये थी कि कुछ पैसे कमा लिया जाए या कुछ अपने लिए बंदोबस्त कर लिया जाए ताकि रात गुजर जाए, पेट जो है वो भूखा ना रहे। जबकि जो अपर क्लास थे उनकी सोच कुछ अलग थी, जैसे इंडिपेंडेंस,
पैसा कमाना, जॉब ढूंढना वगैरह वगैरह। फिर है लैंग्वेज एंड मीनिंग। वही बात यहाँ पे, लैंग्वेज जो है वो कैसे इस्तेमाल की गई और इस लैंग्वेज की मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है उसकी मीनिंग जो है वो पावर है, कि लैंग्वेज की वहाँ पे कितनी पावर थी। तो लैंग्वेज जो था वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉलिड किरदार अदा कर रहा था, क्योंकि जो लैंग्वेज था उसी की वजह से जो क्लास डिस्टिंक्शन थी वो हो रही थी। और क्लास डिस्टिंक्शन की वजह क्या होती थी, अपर क्लास लोअर क्लास, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और उनके बीच में जो गैप्स हैं वो, और वो गैप्स फिल नहीं हो पा रहे थे, जो कि जो शॉ है उसे भी पसंद नहीं था। और जो शॉ है वो हिगिंस का और क्लारा का माउथपीस बन के भी ये कहता है कि जो अपर क्लास लोअर क्लास की जो गेम है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। और वो ये भी कहता था कि सारे जो लोग हैं वो एक जैसे होने चाहिए, अपर क्लास लोअर क्लास जो है ये वैसी फजूल बात है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।